व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे इस कर्स्ट डॉल से आंखें मत मिलाना, रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी, भूत की सच्ची कहानी। तो गलती से आंख मत मिलाना इस चुड़ैल की आंखों के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल भाई साहब ये काला जादू ये सब जानती है। तो देखते हैं पूरी वीडियो, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, गौरव कतार एक्स्ट्रा चैनल से है। जब पता है जिस संगत में आप रहते हो फिर असर कम पड़ जाता है, तो इसके बाद रह के अब इससे तो इस भूत इस चुड़ैल से तो मैं डरता नहीं हूँ। बाकी देखते हैं पूरी वीडियो, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। एक इंसान जो अपनी मौत के कई महीनों बाद तक उस फैक्ट्री में काम करता रहा जहां पर वो मरने से पहले काम किया करता था, लेकिन जब फैक्ट्री वालों को इस घटना के बारे में पता चला कि उनके साथ एक मरा हुआ इंसान, एक भूत काम कर रहा था, तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आखिर उस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ था जो मरने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिली? हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये घटना सच्ची है और ये घटना इंडिया में ही हुई थी, जिसको सभी न्यूज चैनल्स ने कवर किया था। आज इस भूतिया घटना के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों बच्चों के खेलने वाली गुड़ियाओं को ही आत्माएं अपना शिकार बनाती हैं, और साथ ही बताऊंगा एक ऐसी श्रापित गुड़िया के बारे में जिससे अगर आपने 10 मिनट के लिए भी नजरे मिला ली तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते, आपको लगता है कि ये भूत प्रेत आत्माएं सब मनगढ़ंत बातें हैं जो आपको डराने के लिए बताई जाती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको भूतों पर तो यकीन हो ही जाएगा, साथ ही आपके घर में जितनी भी गुड़ियां हैं ना, आप उन सबको बाहर निकाल कर फेंक दोगे। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डरावना और फाड़ू वीडियो। गुड्डा है हमारे पास, गुड्डा बहुत सारे गुड्डे रखे हैं हमारे पास, और रियल घोस्ट, अच्छा इंट्रो। ये घटना है 2020 की, राजस्थान के भारतपुर नाम की जगह पर एक फैक्ट्री थी जिसमें विशाल काम करता था। ये घटना तो सच्ची है, लेकिन ये नाम विशाल ये सच्चा नहीं है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैंने घटना में सभी लोगों के नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये जो विशाल था ये काफी ईमानदार और काफी अच्छा बंदा था, ये शादीशुदा था, फैक्ट्री में काम करके परिवार का गुजारा होता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन पूरे देश में कोरोना फैल गया और इसी दौरान विशाल को कोरोना हो गया और इस बीमारी की वजह से विशाल की मौत हो गई। विशाल की मौत की खबर उसकी फैक्ट्री में सभी को लग गई थी। फाइनली कुछ महीनों के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, फैक्ट्री फिर से शुरू हुई, सारा काम फिर से वैसे ही चलने लगा जैसे कि पहले चला करता था। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने फैक्ट्री में सबको हिलाकर रख दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक के सामने विशाल खड़ा था। जब फैक्ट्री के मालिक ने विशाल से पूछा कि मुझे तो तुम्हारी मौत की खबर मिली थी, तब विशाल ने कहा कि शायद आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन ये लोग जो विशाल की बातों का यकीन कर रहे थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये विशाल जो उनकी आंखों के सामने खड़ा है ये कोई इंसान नहीं है, ये तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आखिर कैसे विशाल के भूत होने की हकीकत लोगों के सामने आएगी। मुझे मालूम है कि अभी भी आप लोगों को इस घटना पर यकीन नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई कहानी है या किसी घटना को मैं बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं। लेकिन लिटरली ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं एक एक शब्द बिल्कुल सच है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन पर हमको बिलीव नहीं होता लेकिन वो सच होती है। जैसे कि कोरोना महामारी के फैलने से 1.5 साल पहले ही एक ज्योतिषी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। एक बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूं, अभी जो 2024 में भगवान राम का मंदिर बना है जिसका फैसला 2019 में आया था, उसकी भविष्यवाणी 2017 में ही एक ज्योतिषी ने कर दी थी। ये है उस भविष्यवाणी का स्क्रीनशॉट जो कि 2017 में की गई थी और जिसमें एग्जैक्ट बता दिया गया था कि मंदिर कब बनेगा। मतलब ये कितना ज्यादा अनबिलीवेबल है। लेकिन ये जो दोनों घटनाएं हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर जो भविष्यवाणी की गई थी वो एस्ट्रोलॉजी की मदद से की गई थी। तो आप जानते हैं कि आखिर विशाल की हकीकत लोगों के सामने किस तरह से आई। सभी लोगों ने विशाल की इस बात पर यकीन कर लिया क्योंकि उस टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था तब कोई भी किसी के भी घर नहीं जाता था, लोग आपस में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को लगा कि शायद वाकई में किसी ने मजाक किया है, विशाल की तबीयत खराब हो गई होगी और उसकी मौत की किसी ने झूठी खबर फैला दी। क्योंकि जब कोरोना अपने पीक पर था तब उस टाइम ऐसी घटनाएं बहुत सामने आती थी, बहुत सारे लोगों की मरने की झूठी खबरें व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैला दी जाती थी। विशाल फैक्ट्री में दिन रात एक करके काम कर रहा था, वो रात में भी घर नहीं जाता था, वो ओवर टाइम करता था,
ना वो कुछ खाता पीता था, ना ही सोता था, ना ही किसी से बात करता था, बस वो अपने काम में लगा रहता था। लोगों को ये बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने विशाल से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री में रात के समय जो चौकीदार काम करता था, उसने फैक्ट्री के मालिक को कई बार शिकायत की कि रात को उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा इंसान, मतलब जो इंसान जैसा नहीं लग रहा हो, अजीब सा ही था कुछ, वो फैक्ट्री में भटकते हुए देखा। कई बार विशाल की जो कुर्सी थी उस पर वो अजीब सा इंसान बैठा रहता था और काम करता रहता था। लेकिन चौकीदार की इन बातों को फैक्ट्री के मालिक ने सीरियसली नहीं लिया। फैक्ट्री में कई बार कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। विशाल अचानक से कहीं गायब हो जाता था, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती थी, वो कहीं पर भी अचानक कहीं से भी आ जाता था। लोगों को ये सब चीजें अजीब तो लग रही थी, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था, इसलिए कोई उससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं पाता था। लेकिन अचानक एक दिन विशाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। उसने एक महीने तक लगातार फैक्ट्री में काम किया, दिन रात एक कर दिया। उसने ओवरटाइम भी किया, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। इस बात से सभी लोग शॉक्ड हो गए और फैक्ट्री के मालिक को भी चिंता हुई। उन्हें लगा कि शायद विशाल बीमार पड़ गया होगा। जब वो विशाल के घर गए तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उनको पता चला कि विशाल तो बहुत पहले ही मर चुका है। और जब विशाल की वाइफ को ये पता चला कि विशाल पिछले एक महीने से लगातार फैक्ट्री आ रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी? विशाल की वाइफ ने फैक्ट्री के ओनर को बताया कि जब विशाल चला गया तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, सारी सेविंग्स लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गई थी, और जो बचा खुचा पैसा था वो विशाल के इलाज में लग गया था। तो एक रात को वो रोते रोते ऐसी बात कर रही थी कि अगर हमारे पास 50,000 रुपए होते तो शायद वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर पाती, वो बच्चों की फीस भर पाती। और शायद विशाल की आत्मा उस टाइम वहीं मौजूद थी जिसने ये बात सुन ली। जब विशाल की वाइफ ने फैक्ट्री के ओनर को ये पूरी बात बताई, तब फैक्ट्री के ओनर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिसमें 50,000 रुपए थे। उन्होंने बताया कि विशाल ने पिछले एक महीने में इतना काम किया है कि उसकी सैलरी के अलावा ये टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो 50,000 ही है। क्योंकि वो बहुत दिन से काम पर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि ये अमाउंट मैं घर जाकर खुद दे आता हूं। जब फैक्ट्री के ओनर ने वो पैसे विशाल की वाइफ के हाथ में थमाए तो विशाल की वाइफ के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो समझ गई थी कि विशाल शायद आसपास ही है और शायद उसे हमारी ही तकलीफों की वजह से मुक्ति नहीं मिली थी। जब इस घटना के बारे में मीडिया को पता चला तो सभी रेपुटेटेड न्यूज हाउस ने अपने ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल्स में और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में इस खबर को पूरा कवर किया था। हालांकि उन्होंने भी विशाल की फैमिली के नाम को बदल दिया था प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन लिटरली ये घटना इतनी शॉकिंग है कि इस पर वाकई में अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान मरने के बाद भी चाहे तो आकर कहीं पर काम कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है। और ये कहानी जो है ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की हकीकत को बयान करती है कि किस तरीके से एक मध्यम वर्गीय इंसान जो होता है वो अपने परिवार से इतना प्यार करता है कि वो मरने के बाद भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वैसे तो ये एक भूतिया कहानी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये एक इमोशनल स्टोरी है। आई थिंक इस कहानी को सुनने के बाद तो अब आपको भूतों पर विश्वास हो ही गया होगा। जिन आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो मरने के बाद भी हमारे आसपास ही भटकती रहती हैं, जिन्हें हम भूतों के नाम से जानते हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं तो कुछ आत्माएं बुरी भी होती हैं, और ये बुरी आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसानों के शरीर में भी घुस जाती हैं, उन्हें पजेस्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इंसानी शरीर में नहीं घुस पाती, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती हैं, एक ऐसा शरीर जो इंसान का तो ना हो लेकिन इंसान जैसा दिखने वाला हो। और यही रीजन है कि बच्चे जिन गुड़ियाओं से खेलते हैं वो होती तो निर्जीव हैं लेकिन दिखती इंसानों जैसी हैं, और इसीलिए आत्माएं इन्हें बहुत आराम से हॉन्ट कर लेती हैं। उन गुड़ियाओं में आत्माएं अपना घर बना लेती हैं। और ये केवल मनगढ़ंत बात नहीं है, आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो सुना ही होगा। हेलो, शायद दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल है। लेकिन अगर आप एनाबेल को सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल मानते हो तो शायद आपने रॉबर्ट द डॉल का नाम नहीं सुना है, जो इतनी ज्यादा श्रापित है कि अगर कोई भी इंसान उस गुड़िया से 10 मिनट नजरे मिला ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस गुड़िया को अभी एक म्यूजियम में रखा गया है, एक कांच के बक्से में, और ये कांच भी ऑर्डिनरी नहीं है। इसे मंत्रोच्चारण से और पवित्र जल से इतना सिक्योर किया गया है कि इस गुड़िया में मौजूद नेगेटिव एनर्जी उस कांच को पार करके बाहर नहीं आ सकती। इस गुड़िया का नाम है रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल। इसको रॉबर्ट नाम के एक छोटे से बच्चे को उसकी नौकरानी ने गिफ्ट किया था, क्योंकि वो नौकरानी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का बदला उस परिवार से लेना चाहती थी। इसलिए उसने एक गुड़िया ली जिस पर उसने काला जादू किया, उसे हॉन्टेड बनाया, और फिर उसके बाद जिस परिवार
परिवार में वो काम करती थी उसमें रहने वाले बच्चे को ये गुड़िया गिफ्ट कर दी। इस गुड़िया ने उस परिवार में रहने वाले लोगों की जिंदगी तो खराब की ही, लेकिन उनके परिवार के बाद भी ये गुड़िया जहाँ भी गई उन सबकी लाइफ खराब हो गई। ये गुड़िया जिसकी भी लाइफ में आती थी उसका या तो एक्सीडेंट हो जाता था, उसको बीमारियां हो जाती थी, या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। इन सब घटनाओं के बाद फाइनली इस गुड़िया को एक म्यूजियम में रखा गया। किसी को भी इसको छूने की या फिर इसका फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। और ये सारे जितने आप फोटोज देख रहे हो ये म्यूजियम की अथॉरिटी ने ही फोटो खींचे हैं। इस म्यूजियम में भी बहुत सारी भूतिया घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों की मजबूरी है जो उन्हें इस हॉन्टेड डॉल के साथ रहकर जॉब करनी पड़ रही है। लिटरली मतलब कितनी अजीब दुनिया है, कहीं पर कोई मरने के बाद इंसान अपनी जॉब कर रहा है फैक्ट्री में आकर, कहीं पर कुछ इंसानों को ऐसी जगह जॉब करनी पड़ रही है जहाँ पर एक श्रापित गुड़िया कांच के बक्से में रखी हुई है जिससे वो नजरें भी नहीं मिला सकते। और ये केवल एक दो घटनाएं नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हैं इस दुनिया में जो किसी भी इंसान को विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हमारे अलावा भी एक दुनिया है जिसे भूतों की दुनिया कहा जाता है या शायद मरे लोगों की दुनिया कहा जाता है। बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। एनीवे यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप इन बातों पर विश्वास करो या ना करो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देखने में डर लगा है या फिर मजा आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर पहली बार आए हो हमारी भाई का एक तो स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो है ना गौरव भाई का, हैट्स ऑफ टू हिम। और ये इन्होंने सिर्फ आज ही नहीं, हम तो कितने सालों से इनकी वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं हमेशा मुझे ये लगता है कि जिसके साथ कोई घटना होती है उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बंदा शेयर करता है, लेकिन दूसरा तब तक विश्वास नहीं करता है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा होना। बट मुझे लगता है कि आज मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनका कोई जवाब भी नहीं है, जवाब भी नहीं है। लेकिन वो भाई साहब, वो स्टोरी मुझे नहीं पता था कि लॉकडाउन के टाइम या उस टाइम पर इतना कुछ हुआ था, फिर लोगों तक वो न्यूज में भी कवर हुई थी, पर वो जो भी नहीं पता तुम्हें। और इसके ऊपर ये जो इसका बेस्ट फ्रेंड है रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल, ये इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, उसके पार्ट्स भी है। हाँ, देखिए आपने मूवी, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने देखी है तो। भाई क्या हमें देखनी चाहिए? देखिए, हमने तो शायद और एनाबेल से ज्यादा नहीं शुरू करी थी, हमने बंद कर दी थी फिर एक वो देख के ही, कहीं पे वो रखा होता था वो जो डॉल सी थी ऐसे। अच्छा, तो भैया आप और वीडियोस भी और हॉरर वीडियोस एंजॉय कर सकते हो गौरव भाई के चैनल पे, हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।